हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश ठाकुर आपका हैबिट एजुकेशन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, ये ज्योग्राफी का दूसरा लेक्चर है। इंडियन ज्योग्राफी जो हम पढ़ रहे हैं उसी क्रम में ये दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने कवर किया था जितनी भी हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी हमारे इंडिया के बारे में, उसमें हमने देखा था लाइन्स देखी थी, ठीक है, अक्षांश, देशांतर पढ़े थे हमने और पड़ोसी देशों को पढ़ा था, ठीक है। और इस लेक्चर में पड़ोसी देशों के बारे में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारी हम लेंगे, ठीक है जी। और बाकी जो बचेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक। पिछले लेक्चर में मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, बाई मिस्टेक आप जानते हैं, जो ग्लोब मैंने ड्रॉ किया था इसमें जो 66.5 डिग्री लाइन्स होती है ऊपर की, इसको बोलते हैं आर्कटिक लाइन, ठीक है। आर्कटिक वहां पे बाय मिस्टेक अंटार्कटिक हो गया था और नीचे होता है अंटार्कटिक, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें। और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे पड़ोसी देशों के संदर्भ में जानकारी, और बाकी हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की थी लास्ट लेक्चर में, उम्मीद है कि आपको अच्छा भी लगा होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पड़ोसी देशों के संदर्भ में पढ़ना। तो आप जानते हैं हमारे पड़ोसी देश, इनकी एक ट्रिक है, बचपन में MBA किया, तो आप जानते हैं बी से बांग्लादेश हो गया हमारा पड़ोसी देश है, च से चीन हो गया, प से पाकिस्तान हो गया, न से नेपाल हो गया, एम से म्यांमार और बी से भूटान, ठीक है, MBA, ए से अफगानिस्तान। तो इनके बारे में हम कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नेपाल के बारे में पढ़ेंगे, भूटान के बारे में पढ़ेंगे और अफगानिस्तान के बारे में पढ़ेंगे और चीन के बारे में पढ़ेंगे और पाकिस्तान और म्यांमार के बारे में, ठीक है। श्रीलंका के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जो भी बचा है हमारा वो हम कंटिन्यू करते जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टॉपिक में हम इंट्रोडक्शन पड़ोसी देश, फिर इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो डिस्प्यूट होगा कि हमारा जो इंडिया है उसका डिस्प्यूट किस देश या किस क्षेत्र को लेकर है, है ना, किस कंट्री के साथ है। तो बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से हम स्टार्ट करेंगे। और चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम नेपाल की बात करते हैं। तो नेपाल के बारे में क्या जानकारी है जो आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट पॉइंट आप जानते हैं कि नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, नेपाल की राजधानी है, सभी जानते हैं। और आप जानते हैं यहाँ की जो मुद्रा है ना, करेंसी क्या यहाँ पर क्या चलता है, नेपाली रुपया चलता है। अगर हम भाषा की बात करें तो आप जानते हैं नेपाल में नेपाली भाषा बोली जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम देखें कि यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना, यहाँ पर यहाँ जो सरकार का स्वरूप है वो कैसा है, लोकतंत्र है, ठीक है। और ये एक ऐसा देश रहा है जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा है, ठीक है। और आप जानते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर सार्क का हेडक्वार्टर है, ठीक है, सार्क का हेडक्वार्टर, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, काठमांडू में है, नेपाल में है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि आधुनिक नेपाल की जो स्थापना हुई है, आधुनिक नेपाल की स्थापना कब हुई, 21 नवंबर 1768 को आधुनिक नेपाल की स्थापना हुई है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो आप जानते हैं कि पृथ्वी नारायण शाह ने इसकी स्थापना की थी, इस आधुनिक नेपाल की जो स्थापना थी वो किसने की थी, पृथ्वी नारायण शाह ने की थी। नेक्स्ट अगर देखें कि 2006 से यहाँ राजा की जगह लोकतंत्र आया और 2008 से क्या हुआ, जो राजशाही संपत्ति थी उसको उसका राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है, राजशाही संपत्ति का क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेपाल के बारे में तो यहाँ के जो अंतिम राजा कौन थे नेपाल के, तो ज्ञानेंद्र, ठीक है जी, ये अंतिम राजा थे। अगर बात करें यहाँ के प्रसिद्ध नगर की तो आप जानते हैं विराट नगर यहाँ का क्या है, प्रसिद्ध नगर है। और आप सभी जानते हैं नेपाल में माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, जो क्या है, भारत की सबसे ऊंची या विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है, 8850 मीटर, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेपाल में इस माउंट एवरेस्ट को एक और नाम से जाना जाता है, जो क्या है, सागरमाथा, है ना, सागरमाथा के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक। तो ये तो होगी हमारा नेपाल के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट। और नेक्स्ट देखते हैं हम भूटान। तो भूटान की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं यहाँ की जो राजधानी है वो थिम्पू यहाँ की राजधानी है। अगर मुद्रा की बात करें तो यहाँ की जो मुद्रा है न्यूगल ट्रंप है। अगर संसद को देखें कि भूटान की जो संसद है वो क्या है, तसोगडू यहाँ की संसद है, ठीक है। हाँ, अगर नेपाल की संसद की बात करें तो नेपाल की संसद में अगर हम देखें तो राष्ट्रीय पंचायत जो है नेपाल की संसद का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर भूटान में
भूटान में जो सरकार है उसका स्वरूप कैसा, सरकार कैसी है वहां पर? तो आप जानते हैं राजतंत्र सरकार का स्वरूप है भूटान में। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो आप जानते हैं ये भूटान, जो भूटान शब्द है ये भोटना से निकला हुआ है। अगर हम भोटना की बात करें तो भोटना का अर्थ क्या होता है, ये तिब्बत, तिब्बत के छोर से इसका अर्थ होता है, ठीक है जी। और अगर हम देखें भूटान का संस्कृत अर्थ, तो आप जानते हैं भूटान का संस्कृत अर्थ क्या है, भू उठान, मतलब भूमि का उठा हुआ भाग, उच्च भूमि, यही क्या है भूटान का अर्थ है, ठीक है, संस्कृत अर्थ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें भूटान के बारे में, तो आप जानते हैं 1907 से राजा का शासन यहाँ पर जारी होता है, 1907 से यहाँ पर राजा का शासन जारी होता है। और 1910 की बात करें तो आंग्ल भूटान संधि से यहाँ स्वतंत्र, इस देश में 20 जिले हैं, ठीक है, यहाँ आंग्ल भूटान संधि से ये स्वतंत्र होता है भूटान, ठीक है। कब होता है स्वतंत्र, 1910 में, किस संधि से, आंग्ल भूटान, आंग्ल अंग्रेज और भूटानों के बीच में एक संधि होती है जिससे क्या होता है भूटान को स्वतंत्रता मिलती है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम देखें कि इस देश में जिलों की बात करें कि इस देश में जो जिले हैं वो कितने हैं, तो इस देश में 20 जिले हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें कि ये देश जो है दक्षिण एशिया में का एक भू आविष्टित देश है, दक्षिण एशिया का एक भू आविष्टित देश है, ठीक है। तो ये जानकारी होगी हमारी भूटान की संदर्भ में। नेक्स्ट अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, तो आप जानते हैं अफगानिस्तान को से हम बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कवर करेंगे। और आपको पता है अफगानों का देश है ना, अफगानिस्तान को क्या बोलते हैं, अफगानों का देश। तो आप जानते हैं इसकी राजधानी काबुल हो गई। और अगर मुद्रा की बात करें तो अफगानी रुपया हो गया। संसद की बात करें तो शोरा, ठीक है, शोरा यहाँ की संसद हो गया, या फिर यहाँ मजलिस-ए-शोरा भी बोलते हैं, ठीक। और अगर हम बात करें मजलिस क्या है, मजलिस बोलते गैदरिंग करने को मजलिस बोलते, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें सरकार का स्वरूप कहाँ पर, यहाँ सरकार का स्वरूप क्या है, तो गणतंत्र। गणतंत्र क्या होता है, जहाँ वंशानुगत ना होकर क्या होता है, चुनाव होता है बकायदा, और चुनाव जीत कर आप सत्ता में आते हैं, वही क्या है, गणतंत्र है, ठीक है। राजतंत्र क्या होता है, जो वंशानुगत आते हैं, जैसे अगर किसी के पिता राजा है तो बेटा आगे राजा बने, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर गणतंत्र है। अगर हम बात करें अफगानिस्तान का अर्थ क्या होता है, अफगानों का देश। और आप जानते हैं भारत के मुगल शासकों की मातृभूमि, जो जितने भी मुगल शासक रहे हमारे, बाबर हो, हुमायूं हो, अकबर हो, या फिर जहांगीर हो, कोई भी, तो सबकी ये क्या थी, मातृभूमि कौन रही, अफगानिस्तान, मुगल शासकों की मातृभूमि। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो 1747 में यहाँ पर अहमद शाह दुरानी ने पृथक राज्य की स्थापना की, कहाँ पर, अफगानिस्तान में। 1747 में अहमद शाह दुरानी ने क्या किया, पृथक एक अलग राज्य की स्थापना करी। नेक्स्ट पॉइंट में देखें तो 19 अगस्त 1919 को ब्रिटिश दासता से ये मुक्त हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो आप जानते हैं कि 1973 में राजतंत्र को समाप्त करके यहाँ गणराज्य की स्थापना की गई। गणराज्य की स्थापना कब की, 1973 में यहाँ पर राजतंत्र को समाप्त कर दिया और गणराज्य की स्थापना करी। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो आप जानते हैं 1979 में सोवियत संघ का एवं 2001 में अमेरिका फौज का अधिकार यहाँ हुआ। 1979 में यहाँ सोवियत संघ का अधिकार और 2001 में अमेरिकी फौज का अधिकार में ये आ गए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2001 की, तो 2001 में अमेरिका ने तालिबान को खत्म करके यहाँ पर नई सरकार बनाई। तालिबान का खात्मा किसने किया यहाँ पर, तो अमेरिका ने, ठीक है। नेक्स्ट कब किया, 2001 में किया। नेक्स्ट अगर हम बात की नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो आप जानते हैं कि 2005 में अफगानिस्तान और यूएनओ के बीच में एक समझौता होता है, जो क्या था, सामरिक सहभागिता समझौता होता है, कब होता है, 2005 में, ठीक। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, तो आप जानते हैं अफगानिस्तान का सिस्तान बेसिन विश्व के सबसे शुष्क स्थानों में से एक है, ठीक है। और नेक्स्ट हम अगर देखें कि ये विश्व का सबसे ज्यादा, यहाँ पर विश्व का सबसे ज्यादा क्या होता है, अफीम उत्पादित होता है, ठीक। अफीम सबसे ज्यादा कहाँ पर,
अफगानिस्तान में। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ के उच्च बिंदु की, सर्वोच्च बिंदु इस देश का कौन है, तो नशोक। नशोक जो है इस देश का सर्वोच्च बिंदु है, जिसकी अगर हम हाइट की बात करें तो 7485 मीटर इसकी हाइट है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अब चीन की, तो चीन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमें जानना जरूरी है, तो सबसे पहले राजधानी सभी जानते हैं बीजिंग इसकी राजधानी है। अगर हम यहाँ की मुद्रा की बात करें तो आपको पता है यहाँ की मुद्रा युआन है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ सरकार कैसी है, तो समाजवादी गणराज्य सरकार यहाँ पर है। यहाँ सरकार का स्वरूप क्या है, समाजवादी गणराज्य। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें धर्म की, तो यहाँ के लोग बौद्ध धर्म और ताओवाद को मानते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखें तो आपको पता ही है जो चाइना है, चीन 14 कंट्रियों के साथ इसकी सीमा साझा होती है, सीमा टच होती है, 14 कंट्रियों के साथ इसका बॉर्डर टच होता है, जैसे कि रूस हो गया, मंगोलिया हो गया, उत्तर कोरिया हो गया, वियतनाम हो गया, म्यांमार हो गया, भारत हो गया, लाओस हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, और तजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया और कजाकिस्तान हो गया। तो ये सारी 14 कंट्री है, कई बुकों में 13 भी बताई जाती हैं। ठीक है, तो आप निश्चित रूप से देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इस चीन का नाम चीन कहाँ से पड़ा, तो चीन राजवंश हुआ करता था यहाँ, उसी चीन राजवंश से इसका नाम चीन पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप जानते हैं 1949 में एक नेता हुए वहां पर जिनका नाम था माओ सेतुंग। माओ सेतुंग ने घोषणा करी कि जो चाइना है चाइना क्या रहेगा, रिपब्लिक रहेगा, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, इन्होंने क्या नाम बदला इसका, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, किसने, माओ सेतुंग ने 1949 में। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया, नाजिंग की जगह पर बीजिंग को राजधानी बनाया। नाजिंग की जगह पर किसको राजधानी बनाया, बीजिंग को राजधानी बनाया, किसने, माओ सेतुंग ने। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो 1981 में यहाँ बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का आरंभ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा लोहा, कंक्रीट और तांबे का सबसे बड़ा उपभोक्ता चीन है, और दूसरा विश्व का सबसे बड़ा आयातक भी क्या है, चीन है। अगर बात करें निर्यातक की, तो दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी चीन ही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें 1950 की, तो 1950 में स्वीडन इससे वैदेशिक संबंध स्थापित करने वाला क्या था, पहला देश था, किससे, चाइना से इसने वैदेशिक संबंध जो है स्थापित किए। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो आप जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी सेना भी चाइना के पास है। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो आप जानते हैं क्षेत्रफल में तीसरा नंबर चाइना का है। अगर जनसंख्या में, तो आप सभी को पता है कि नंबर वन पर चाइना है। ठीक है, तो ये होगी चीन के बारे में सारी जानकारी। ठीक है, अगर पाकिस्तान के बारे में देखें, तो पाकिस्तान के बारे में आपको पता है 14 अगस्त 1947 को ये आज़ाद हुआ पाकिस्तान। अगर बात करें यहाँ पर राष्ट्रपति कौन हुए पहले, तो मोहम्मद अली जिना ये पहले राष्ट्रपति हुए। अगर पीएम की बात करें तो आप सभी को पता है लियाकत अली यहाँ के पहले प्रधानमंत्री हुए। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम यहाँ बात करें कि पाकिस्तान के जुड़वा नगर इस्लामाबाद और रावलपिंडी को जुड़वा नगर कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम देखें तो आप जानते हैं यहाँ के दो परमाणु प्रशिक्षण केंद्र है ना, चश्मा और चगाई यहाँ के परमाणु प्रशिक्षण केंद्र बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि इस पाकिस्तान के पश्चिम भाग में चाइना एक पोर्ट का निर्माण कर रहा है, जिसका नाम क्या है, ग्वादार पोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता है ट्रिनको माली पोर्ट हो गया, ग्वादार पोर्ट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट, जो चाइना के द्वारा बनाए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें पाकिस्तान शब्द है वर्ड है, ये किसने सबसे पहले दिया, तो इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया, चौधरी रहमत अली ने, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पढ़ने वाले एक छात्र थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें WHO की रिपोर्ट की, तो आप जानते हैं WHO क्या कहता है, कि WHO कहता है कि सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित देश की बात करें हम, तो वो क्या है, पाकिस्तान है। किससे प्रभावित है, पोलियो से सर्वाधिक
पोलियो प्रभावित देश कौन है? पाकिस्तान, ये WHO की रिपोर्ट है। नेक्स्ट अगर हम देखें अब कंट्री के बारे में, म्यांमार, तो आप जानते हैं म्यांमार की राजधानी तो सभी को पता है नेपिटाओ, नेपिटाओ इसकी राजधानी है। अगर हम पुरानी राजधानी की बात करें तो रंगून इसकी पुरानी राजधानी है। नेक्स्ट अगर हम मुद्रा की बात करें तो कयात, कयात यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट भाषा आपको पता है यहाँ की बर्मी, यहाँ की भाषा है। अगर पुराना नाम देखे तो इसका बर्मा इसका पुराना नाम था, ठीक है। तो यहाँ म्यांमार के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पर एक पर्सनैलिटीज हुए जो एक लोकतंत्रवादी नेता थे जिनका नाम है आंग सान सू की, ठीक है। आंग सान सू की ये पहली महिला है जिन्हें क्या मिला, शांति के लिए यहाँ पर नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और ये पहली महिला ऐसी है जिन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब ब्रिटेन की जो संसद है वहाँ पर जाके भाषण दिया, ठीक है। और आप जानते हैं कि 1992 में यहाँ पर क्या हुआ, सैन्य शासन जारी हुआ म्यांमार में। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो जितने भी भारतीय है ना, जितने भी प्रवासी भारतीय है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, म्यांमार में है। म्यांमार में ही सबसे ज़्यादा प्रवासी भारतीय हैं। अगर हम प्रवासी दिवस की बात करें तो आप जानते हैं 9 जनवरी को ये मनाया जाता है। तो ये थी पड़ोसी देशों के संदर्भ में मोटे मोटी जानकारी, ठीक है। इतना ही हमें जानना ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। यही आप लोगों के और मेरे बीच तालमेल रहेगा। अपनी अपनी प्रतिक्रियाएँ ज़रूर दें इस वीडियो पर, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।